नमस्कार, आप देख रहे हैं हम न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर फोर बिहार बटालियन के सीओ कर्नल जीसी लोहानी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर फोर बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसमे आगंतुक अतिथियों का स्वागत पौधे देकर किया गया। वही इस कार्यक्रम के सीओ कर्नल जीसी लोहानी के साथ साथ इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के कैडेटों ने स्कूल परिसर में पौधा लगाया। साथ ही फोर बिहार बटालियन के सीओ कर्नल जीसी लोहानी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी हर एक साल कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे वातावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। साथ ही फोर बिहार बटालियन की ओर से स्कूल और कॉलेज परिसर में हरेक कैडेटों को एक पौधा लगाने को कहा गया। इस अवसर पर फोर बिहार बटालियन के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल एके दास, मुस्लिम हाई स्कूल के प्रचार पीएम सफी उल्लाह, एएनओ मोहम्मद नसर आलम, एएनओ मोहम्मद सज्जाद अंजुम, बिहार बटालियन के सूबेदार राम बहादुर राणा, बीएस कॉलेज के केयर टेकर तुषार कांत झा, डीआई सागर कुमार के साथ साथ सैकड़ों एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया था। ओके, देखिए आज राष्ट्रीय वन दिवस है, जैसा कि आपको पता है 21 मार्च, और इस अवसर पर हमने एक ये वृक्षारोपण प्रोग्राम जो एनसीसी के बच्चों के द्वारा है, इसको आयोजित कराया था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को बताएं कि वन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे शहर दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं और इनको जागरूकता पैदा करें बच्चों को। तो हमने बच्चों को यही बताया कि आप अगर हर साल इस दिन के दिन भी अगर एक पेड़ लगाते हैं, तो हो सकता है हम ये ग्रीन कवर को और बढ़ाने में सक्षम हो जाएं और एक अच्छा एनवायरनमेंट दें अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो यही हमारा उद्देश्य था, और इसी के तहत हमने ये पेड़ लगाने का काम किया।